नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो UPSESV ने TGT सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम कराया था आज दिनांक 8/3/2019 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था 4:30 से 4:30। उसमें हम बात करेंगे जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसकी आंसर की डिस्कस करूंगा सारी की सारी, और जो भी एग्ज़ाम था उसका पेपर का जो पैटर्न था उसका एनालिसिस करेंगे, कौन से ऑप्शन ठीक हैं कौन से गलत हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और चलिए तो चलते हैं वीडियो तरफ के, और उससे पहले आपको बताता हूँ ये मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी एनालिसिस, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर कंटेंट पसंद आता है तो ठीक है, थैंक यू। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ को, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए जो फर्स्ट पोर्शन था, देखिए इसमें जो पेपर था वो कुल मिला के जो था नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड था, Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 and Part 5, जिसमें क्या है पार्ट वन में जो एक क्वेश्चन था वो सबके लिए कॉमन था। कॉमन मीन्स क्योंकि 62+62 यानी कि 62 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं सोशल साइंस में, तो 62+62 124 होता है, एक क्वेश्चन बच जाता, टोटल 125 क्वेश्चन थे, तो उनके लिए चार क्वेश्चन जो है एक ही नंबर में चार क्वेश्चन दिए हैं जो कि चारों सब्जेक्ट के हैं, जैसे कि एक ज्योग्राफी का है, एक सोशोलॉजी सॉरी एक ज्योग्राफी का है, सिविक्स का है, एक हिस्ट्री का है, इस तरीके एक पॉलिटिकल साइंस का है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है डिवाइड हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, ये कॉमन क्वेश्चन है सबके लिए करना है जो। तो देखिए पहला देख लेते हैं इसमें, यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उनके दाएं हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ पर निम्न होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दाब उसके दाएं हाथ पर निम्न होता है, तो ये नियम कौन सा होता है? ये कॉरलिस फोर्स होती है, ये कॉरलिस बल होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लिखा है इन द स्टोन एज द मिक्रोलिथिक वर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस। देखिए मिक्रोलिथिक या माइक्रोलिथिक बोलते हैं इनको, माइक्रोलिथिक से होते हैं वो कहाँ पर मतलब कौन सी एज में पाए जाते थे, स्टोन एज की बात चल रही है यानी कि पाषाण युग की बात चल रही है, तो देखिए जो वो थे वो मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण युग में पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बाजार में एक विशेष मूल्य पर एक विशेष समय को में खरीदता है तो वो क्या कहलाती है? तो वो होती है यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता होती है उस वस्तु की। अगला देख लेते हैं, द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ बिहेवियर मूवमेंट, तो देखिए इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ बिहेवियरल मूवमेंट जो है किसको कहा जाता है, जनक किसको कहते हैं? वो कहते हैं चार्ल्स ई मैरिन को, ठीक है। अब सेक्शन स्टार्ट होता है, ज्योग्राफी का सेक्शन है जो पहले डिस्कस करूंगा मैं, उसके बाद सारे जो रिमेनिंग सेक्शन है उनको भी डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, देखिए भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है? तो वो कर्नाटक करता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरी बस्ती के लिए एक निष्कर्ष है यानी कि कितना मतलब पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो वो 5000 या उससे अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार, डिटोरिएट इज फेमस फॉर, देखिए डिटोरिएट क्या है, डिटोरिएट एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं, सीबीडी, देखिए सीबीडी ऑफ न्यू दिल्ली है वो कनॉट प्लेस है, ठीक है, तो वो कनॉट प्लेस है। सीबीडी क्या होता है? ये होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं सीबीडी, ये दिल्ली का जो है वो कनॉट प्लेस है। अगला देख लेते हैं सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी वाज प्रपोंडेड बाय, तो देखिए हेलोसेंट्रिक सिद्धांत को जो किसने प्रतिपादित किया था वो थे कॉपरनिकस ने, कॉपरनिकस ने इसको जो दिया था इस थ्योरी को। अगला देखते हैं, किसे आर्टिक वृत्त कहा जाता है यानी कि आर्टिक सर्किल, तो देखिए आर्टिक सर्किल होता है 66.2 यानी कि 66.58 डिग्री नॉर्थ की ओर होता है वो, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए ठीक है, नॉर्थ की ओर होता है उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, देखिए अपने ही स्थान पर शैलों को विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है तो उसका क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं यानी कि वेदरिंग कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ,
मैकेनिकल वेदरिंग का एग्जांपल है ये, यानी एक कणी काम्य विघटन यांत्रिक अपक्षय का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। सेकंड दसवां देखते हैं, देखिए मध्य कपासी का एक उदाहरण है तो किसका है वो, मीडियम यानी कि मध्य मेघ का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कोपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, देखिए कोपन का जो तो क्लासिफिकेशन था क्लाइमेट का, तो किस पे बेस्ड था वो, क्लाइमेट कंडीशंस पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अ ट्रांजिशन जोन वेयर द प्लांट कम्युनिटीज नेचुरली मर्ज इनटू एन वन अनदर इज नोन एज इकोटोन, उसको बोलते हैं इकोटोन, हिंदी में पढ़ लेते चलिए। एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं उसे कहते हैं संक्रमिका। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द कॉरल रिफर्स कॉरल रीफ्स आर मेड ऑफ, देखिए कोरल होती हैं कोरल, तो वो किससे मेड बनी होती हैं, वो होती हैं कोरल पॉलिप्स होती हैं पॉलिप्स, उनसे बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिलेटेड टू होमोसेफियंस, तो होमोसेफियंस जो होते थे ओमनिवर होते थे यानी सर्वाहारी, वो सब कुछ खाते थे मांस और हरी सब्जी दोनों। 15 देखते हैं, देखिए एडकुंड बुक वाज रिटन बाय, तो देखिए ये जो एराकुंडे बुक थी ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी रिटर ने। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरसम वाज डेवलप बाय, तो देखिए ये किसने दिया था, ये था रटजिल, ऑप्शन नंबर बी। 17 देखते हैं, अन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाज रिटन बाय, तो ये दिया था माल्थुस ने। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, विच कैनल जॉइन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन, तो ये पनामा झील है जो दोनों ओशन को कौन मिलाती है, कौन कौन से, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो जोड़ती है वो है पनामा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखिए तो पूछा है द सर्वाधिक कॉफी उत्पादन देश कौन सा है, तो वो है ब्राज़ील, हम जानते हैं ब्राज़ील की कॉफी अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच रिवर फ्लो थ्रू द कश्मीर वैली, तो कश्मीर वैली से कौन सी रिवर फ्लो होती है, झेलम होती है जो। क्वेश्चन नंबर 21, विंड ब्लो फ्रॉम द आल्प्स ओवर द फ्रांस टुवर्ड द मेडिटेरियन सी थ्रू रॉन वैली, तो देखिए रॉन वैली से कौन सी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिस्ट्राल। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू मिड पैसिफिक ओशन फॉलो रफली, तो वो कहती है 0 डिग्री जो है लेटिट्यूड को फॉलो करती है वो। 23 देखते हैं, विच वन इज नॉट ए एंडोजेनिक फोर्स, देखिए एंडोजेनिक फोर्स कौन सी है, नहीं होती है इसमें, तो ये पूछा, देखिए टेंशन होती है, कंप्रेशन होती है और फॉल्टिंग होती है, इरोजन नहीं होती है वो। 24 पर देखते हैं, मैग्मा पेनिट्रेटिंग एंड सॉलिडिफाइंग इन द वर्टिकल जॉइंट्स आर नोन एज, तो देखिए इसके थोड़ा सा जो ऑप्शन दे रखे हैं थोड़ा सा इसमें डाउट है, और डाउट ये है कि इसका जो ए है वो है डाइकीज एंड सेकेंड है सिल्स, तो देखिए ये दोनों ही होते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी डाइकीज को देनी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए ठीक है। 25वां देखते हैं, देखिए ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 7 का है बी। 28 की बात करें तो देखिए 28 में कोरोशियो करंट इज ऑब्जर्व इन, तो पैसिफिक ओशन यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, जापान के पास ये करंट फ्लो होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया इज हाईएस्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो वो है छोटा नागपुर प्लेटो पे। 30 देखते हैं, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, जो उसकी डायरेक्शन किधर होती है वो अपराइट होती है, ऊपर की तरफ को होती है। 31 देखते हैं, हु स्टार्टेड द लैंड यूज स्टडी एंड प्रपोज लैंड यूज मैप ऑफ ब्रिटेन, तो वो थे एल डी स्टैम्प, ऑप्शन नंबर बी। 32 देखते हैं, देखिए मसाई जनजाति जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, वो अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका का देश है केनिया, उसमें पाई जाती है।
मछली पकड़ना जो है किसके अंतर्गत आता है? ये प्राथमिक गतिविधि है मछली पालन। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, असवान प्रोजेक्ट वाज ए प्रोजेक्ट ऑन प्रोजेक्ट ऑफ, तो कहाँ का था वो? इजिप्ट का था प्रोजेक्ट एक। अलाफा, अलाफा क्या है एक? तो ये अल्फाफा की बात करें तो एक टाइप का ये क्या ग्रास प्लांट होता है एक तरह का। ऑप्शन नंबर सी। 36 देखते हैं, द कोरोमंडल कोस्ट इज लोकेटेड इन, देखिए कोरोमंडल कोस्ट जो है वो वे ऑफ बंगाल पे है यानी कि तमिलनाडु में है। 37 देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग प्लानिट प्लांट्स विच वन ऑफ इज आउटर प्लानिट, तो देखिए ये यूरेनस आउटर प्लानिट है इसका, जो हमारा सौर मंडल है उसका। 38 देखते हैं, द अर्थ कंप्लीट रोटेशन इन अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे में कर लेती है वो? 24 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। 39 देखिए, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देयर वॉज ओनली वन कंटिनेंट एंड वन ओशियन अबाउट 250 miles years ago, द नेम ऑफ द ओशियन वॉज, तो देखिए पैंजिया है इसका नाम। टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वी यूज रिचर स्केल, रिचर स्केल का यूज करते हैं, रिचर पैमाने का, किसके अर्थक्वेक क्यों है तीव्रता को मापने के लिए। 41 देखते हैं, इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर वैन फॉग इज मिक्सड विद स्मोग इज नोन एज, तो स्मोग को बोलते हैं, तो देखिए जब फॉग और स्मोग मिल जाते हैं तो वो बनता है स्मोग बनाता है, जो कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है। 42 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर विंटर रेनफॉल इन ईस्टर्न कोस्ट लाइन, तो देखिए अगर हम बात करें जो पूर्वी तट है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो किसके लिए होती है? वो होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए, उसकी वजह से होती है। 43 देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी फाउंड इन ओशियन एंड सी, तो मतलब सैलिनिटी मतलब होता है कि जो लवण है, लवणता यानी कि खारा जो होता है वो किसकी वजह से होता है, कितना परसेंट होता है वो? 35% होता है पानी। स्टेशनरी वेव थ्योरी वाज प्रोपोंडेड बाय, तो देखिए ये किसने दी थी? ये हैरिस ने दी थी। 45 के देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल, तो देखिए बायोडिग्रेडेबल की बात करें हम तो वो कौन सा नहीं है? तो प्लास्टिक मटेरियल बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। 46 देखते हैं, अ बाउंड्री ट्रांजिशन जोन बिटवीन एडजॉइनिंग इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोटोन, ऑप्शन नंबर ए। 47 की बात करें हम, अ साइट लोकेटेड नियर अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई सच एज स्ट्रीम लेक और स्प्रिंग इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं कौन सा रीजन होता है वो? तो नम बिंदु होती है। 48 देखते हैं, विच वन वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, तो 2000 जो नेशनल पॉलिसी थी पॉपुलेशन की उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका मेन ऑब्जेक्टिव था हेल्थ को, जो है हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी उसका था, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी होगा, HIV कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए। 49 देखते हैं, विन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटी ऑफ कोल इज गुड, सबसे तो देखिए सबसे अच्छा जो होता है वो कोयला कौन सी कंपनी का होता है? वो होता है एंथ्रेसाइड, एंथ्रेसाइड अच्छा होता है। 50 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक ब्लैक अर्थ सॉइल, देखिए ब्लैक अर्थ सॉइल कौन सा होता है? तो वो होता है चरनोजैम सबसे अच्छा इसको मानते हैं ब्लैक ऑयल सॉइल को, ऑप्शन नंबर सी। 51 की बात करें हम, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, मतलब कि नॉर्थ से साउथ जो कि जो कितनी लंबाई है यानी कि हम बात करें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो वो कितना है इंडिया है जो वो 3214 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। 52 देखते हैं, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट एट, देखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो किस बिंदु पर मिलते हैं वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। 53 देखते हैं, द समर सोल्स्टिस इज ऑब्जर्व ऑन, तो इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रीष्म अपनांत, तो वो कौन से दिन होता है? वो 21 जून को होता है, क्योंकि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है इसलिए वो उस पर समर सोल्स्टिस बनता है। 54 की बात करें हम, द स्टैंडर्ड मेरिटाइम एडेप्शन इन इंडिया, तो हम जब बात करेंगे STD की बात करें हम, तो स्टैंडर्ड मेरिटाइम जोन जो है वो कितना है इंडिया का? वो है
सॉरी 82.5 डिग्री है, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की ओर है वो, क्योंकि हम ग्रीनविच लाइन से ईस्ट की ओर है भारत, अगर हम वर्ल्ड मैप पर देखें तो। 55 देख लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेजर प्लेट, मेजर प्लेट का एग्जांपल कौन सी है, तो वो है पैसिफिक प्लेट, सबसे बड़ी है। प्लेट्स में हम बात करें तो 7 टोटल 7 प्लेट हैं वर्ल्ड में। 56 देखते हैं, देखिए ये है पाइडमोंट प्लेन्स आर फॉर्म्ड वाई, वो जो बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, रिवर की वजह से बनते हैं। 57 देखते हैं, द कन्वेंशनल रेनफॉल ऑकर ऑलमोस्ट डेली इन कौन से रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सामान्य वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन सबसे ज़्यादा किसमें होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 58, महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहते हैं भूजात। 59 देखते हैं, इन इंडिया द हाईएस्ट टाइडल रेंज इज ऑब्जर्व अलोंग कौन सी कोस्ट लाइन है, वो है गुजरात कोस्ट लाइन। 60 देख लें, द थर्मल पावर प्रोजेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस एनी इंपैक्ट ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या वाटर पोल्यूशन के जो है क्या है इफेक्ट नहीं करते हैं वो, थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 61 की अगर हम बात करें, द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस लॉसेस इन, तो देखिए हम 61 की बात कर रहे हैं, द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस लॉसेस इन एन इकोसिस्टम इज इंडिकेटेड एज, तो इसे कहते हैं हम नेट स्टोरेज। 62 देखते हैं, द एग्रीकल्चर लैंड यूज मॉडल इज एन इकोनॉमिक मॉडल गिवन बाय, तो जो एग्रीकल्चर लैंड यूज मॉडल दिया था वो क्या था, वॉन थ्यूनन ने दिया था, इस थ्योरी को प्रपोज किया था। 63 देखते हैं, द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो 1911 से 1921 के बीच में जो है नेगेटिव ग्रोथ देखी गई थी पॉपुलेशन की, ठीक है। तो ये था ज्योग्राफी का सेक्शन, जो कल सॉरी आज 8/3 को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका जो इसका रिमेनिंग सेक्शन है अगला वाला, वो मैं वीडियो को थोड़ी देर में बना के अपलोड करूँगा उसको जल्दी ही, और आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो वो उससे मैच कीजिए, और अगर कुछ गलत हो तो मुझे बताइएगा, उसको सही करेंगे बैठ के, डिस्कस करेंगे उस पर। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा चैनल है स्टडी एनालिसिस। थैंक यू गाइज, एंड हैव फॉर बेस्ट ऑफ लक।